हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दो तरीके जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइड आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है और कौन सी साइड आपके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड से मेरा मतलब है आपकी 220 से 240 वोल्ट की साइड, और सेकेंडरी साइड से मेरा मतलब है उससे कम वोल्टेज की साइड, जो कि आपकी 6 वोल्ट भी हो सकती है, 5 वोल्ट भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, लेकिन वो 220 या 240 से कम ही रहेगी। तो इससे पता लगाने के दो बेहतर तरीके हैं और बहुत ही सिंपल हैं। पहला तरीका है मल्टीमीटर के थ्रू, उसके बाद वाला तरीका होगा बिना मल्टीमीटर के, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो। तो पहले तरीके में आपको क्या करना है, आपको मल्टीमीटर को पॉइंट करना है 2000 ओम्स रेजिस्टेंस चेक के पॉइंटर पे। उसके बाद आप अपने ट्रांसफार्मर की पिंस पर मल्टीमीटर के पिंस टच कराइए। जैसे ये दो पिंस मैं पहले टच कराऊंगा, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टिव वैल्यू दिखा रहा है ये 1730। तो 1730 जो कि 1730 है, इसका मतलब ये साइड जो है हाई वोल्टेज साइड है। और वहीं हम अगर दूसरी साइड पर चेक करें तो ये दिखा रहा है सिर्फ 11 ओम, जो कि बहुत ही कम है इसके कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली ये जो है लो वोल्टेज साइड है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला तरीका कि जो हाई वोल्टेज साइड है आपकी उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड पे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं और लो वोल्टेज साइड पे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही कम होते हैं। तो ज्यादा टर्न्स पे ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा रेजिस्टेंस, कम टर्न्स पे कम वोल्टेज, कम रेजिस्टेंस। वैसे तो ये ट्रांसफार्मर मैंने इस सर्किट से निकाला है और आप देख सकते हैं कि इस सर्किट बोर्ड पे ये इम्प्रिंट हुआ है 230 वोल्ट्स एसी साइड एंड 12 वोल्ट्स एसी साइड, जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि ये ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड हाई वोल्टेज साइड है और कौन सी साइड लो वोल्टेज साइड है। लेकिन ज्यादातर सर्किट बोर्ड्स पे या ट्रांसफार्मर पे ये इम्प्रिंटेड नहीं होता है, इसलिए ये तरीका जानना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। तो दूसरे तरीके में मैं इस्तेमाल करूंगा ये 7 वोल्ट की बैटरी का। आप कोई भी बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो आप मोबाइल चार्जर के पिंस काट के उसके तारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके 5 वोल्ट निकालता है, तो ये काम कर जाएगी टेक्निक। और एक मोटर का, या फिर अगर आपके पास कोई मोटर नहीं है तो आप कोई छोटा बल्ब या एलईडी लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप हो जाएगा कि आप कोई भी एक वायर लें बैटरी का और उसे किसी भी एक वायर के साथ जोड़ दें मोटर के। ओके, तो आपने ये जोड़ दिया, उसके बाद आपके पास बचे दो वायर, एक वायर बैटरी से और दूसरा वायर मोटर से। फिर आप क्या करेंगे कि जो एक वायर मोटर का बचा हुआ है उसे आप जोड़ देंगे ट्रांसफार्मर के टर्मिनल पे, और दूसरा वायर आप जोड़ देंगे ट्रांसफार्मर के दूसरे टर्मिनल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसे जोड़ दिया है, लेकिन ये फिर भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि ये आपकी हो गई हाई वोल्टेज साइड। अगर ये आपकी लो वोल्टेज साइड होती तो करंट ज्यादा होता, जिसकी वजह से ये मोटर चलने लग जाता। तो चलिए यही चीज ट्राई करते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। या ये आपका ऐसे चल रहा है लेकिन इससे नहीं चल रहा है। यही चीज हम ट्राई करेंगे दूसरी साइड पर आपके ट्रांसफार्मर की, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि वो आपकी लो वोल्टेज साइड है और ये हाई वोल्टेज। तो ये हो गया पहला वायर कनेक्टेड, अब हमें कनेक्ट करना है दूसरा वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला वायर कनेक्ट करने पर मोटर चल गया है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, ये वाली आपकी साइड लो वोल्टेज साइड है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी वजह से करंट बढ़ गया है तो मोटर तक आसानी से पहुंच रहा है और ज्यादा पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ये चल रहा है।
वहीं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है इसलिए रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो आपका मोटर चल नहीं पा रहा क्योंकि उसको पूरी तरह से पूरा करंट नहीं मिल रहा है। और मान लीजिए कि किसी वजह से आपका दोनों तरफ सही चल रहा है, तब ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा कि किस तरफ आपका मोटर या लाइट ज्यादा तेज जल रही है या मोटर ज्यादा तेज जल रहा है। तेज जलना और तेज मोटर का चलना हमेशा लो वोल्टेज साइड पर ही होगा जो कि आपकी सेकेंडरी साइड है, और कम चलना आपका हाई वोल्टेज साइड पर होगा जो कि आपकी प्राइमरी साइड है। तो दोस्तों ये थे दो तरीके जिससे पता किया जा सकता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, अगर ये प्रिंटेड ना हो आपके ट्रांसफार्मर पे या सर्किट बोर्ड पे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।